वेलकम फ्रेंड्स, विशिंग यू वेरी हैप्पी 2021 और जस्ट होप ये 2020 की तरह ना गुजरे एंड वी कैन बी प्रेजेंट एट दीज फेमस ट्रीज, एंजॉय द रेस्टोरेंट्स एंड एंजॉय द फूड ऑल अक्रॉस द कंट्री. सो व्हाट अ बेटर वे टू बिगिन द न्यू ईयर. गुलाब जामुन की बात करते हैं और गुलाब जामुन एक क्विंटेसेंशियल डिश जो कि हमारे चाहे वो शादी का फंक्शन हो, बर्थडे पार्टीज हो, ऑफिस गेट टुगेदर्स हो या नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, गुलाब जामुन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो क्यों ना कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करते हैं जिनके गुलाब जामुन सही में बिल्कुल ही लाजवाब होते हैं और लुत्फ लें इन इन सारी जगहों का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं जामनगर से और जामनगर के बारे में दो सेंटेंसेस आपको बता दूं. ये रियासत थी, द महाराजा ऑफ जामनगर, वेरी फेमस, और वो जो शाही खानसामे थे उन्होंने पूरे गुजरात में अपनी डिशेस की छाप छोड़ी हुई है. अगर आप गुजरात में कहीं भी जाएंगे तो पेड़ा इज वेरी वेरी कॉमन एज अ स्वीट डिश और आपको गुजरात में हर जगह विभिन्न प्रकार के पेड़े मिलेंगे. तो ये जो आउटलेट है इसका नाम है वल्लभ दास पेनावाला और इनकी खासियत ये है कि ये जो गुलाब जामुन बनाते हैं प्योर मावे के होते हैं और जो मावे का इनका जो इस्तेमाल है और जो इनकी पैकिंग का स्टाइल है, ये लोग क्या करते हैं कि क्योंकि इनके सबसे ज्यादा गुलाब जामुन एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट इन द सेंस क्योंकि गुजरातीज बहुत ज्यादा यूके और यूएस में बसे हुए हैं, तो इनके गुलाब जामुन इतने फेमस है कि दूर दूर से लोग आते हैं और लेके जाते हैं लंदन, यूएस और पता नहीं कहां कहां कहां. ये लोग क्या करते हैं कि टिन के पैक में अपने गुलाब जामुन पैक करते हैं जिससे कि उनका शीरा ना चीजों को खराब करे और लगेज में जा सके. इतने टिन पैक रखे हुए होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये इनकी सेल कितनी होगी. गलियों के अंदर दुकान है लेकिन जो जब आप गुलाब जामुन खाएंगे आप कहेंगे कि ये है जो सही में गुलाब जामुन होता है. अगर आप इसकी पिक देखेंगे तो गुलाब जामुन के अंदर जो सोंधापन है वो साफ नजर आ रहा है. और एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं या बॉम्बे में बैठा हूं या चेन्नई में बैठा हूं, मैं कैसे ये गुलाब जामुन टेस्ट कर सकता हूं, तो ब्लू डार्ट एक सर्विस चलाती है. ये वल्लभना पेंदावाला के गुलाब जामुन आप जहां भी बोलेंगे वहां पर वो डिलीवर कर देते हैं. एक बार इनके गुलाब जामुन ट्राई जरूर करें. और एक टिप आपको देना चाहूंगा, टीएफएस की जो खासियत है, गुलाब जामुन को गर्म जरूर करें माइक्रोवेव में और उसके बाद इंजॉय करें. इनका टेस्ट जो आएगा, वाह 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 वाह, आप कहेंगे ये था जो था गुलाब जामुन. तो दोस्तों, अपनी अगली जगह की ओर और यह है मैगलगंज. आप कहेंगे ये कौन सी जगह है और ये क्यों है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस जगह का ओरिजिनल नाम माइकलगंज था. ये दिल्ली लखनऊ का जो पुराना हाईवे है बरेली के बाद और शाहजहांपुर से पहले एक छोटा सा गांव है. और ये इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाब जामुन की दुकानें मिलेंगी. पिक्चर्स देखते हैं और कुछ समझते हैं इनके बारे में. तो दोस्तों, जैसे कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है गुलाब जामुन का शहर मैगलगंज और यह रास्ता है. मेन हाईवे पे दुकानें हैं दोनों तरफ. अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको दुकानें दिखेंगी. इसके बारे में खासियत यह है कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग थे और उन्होंने एक जो दुकान वाले थे उनको ये पूरी तरह से वरदान दिया था कि आप यहाँ गुलाब जामुन बनाएं और गुलाब जामुन में आपके बहुत बरकत होगी और इसीलिए ये दुकानें चली जा रही हैं. मजे की बात यह है कि किसी भी दुकान के ऊपर कोई नाम नहीं है. एक ये धनपाल मिष्ठान भंडार जरूर है लेकिन जनरली आपको लिखेगा मशहूर गुलाब जामुन की दुकान. दो तीन खासियतें हैं. किलो के हिसाब से गुलाब जामुन मिलते हैं, इंटरेस्टिंग. जनरली पीस के हिसाब से होता है लेकिन ये किलो के हिसाब से देते हैं और ये किलो के हिसाब से ही बांटते हैं. जो अर्दन बाउल्स होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें पैक करते हैं और इनके पास हर तरह के 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, हर तरह के बर्तन इनके पास अवेलेबल है. आप जितने गुलाब जामुन बोलेंगे ये आपको पैक करके दे देंगे. जब अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो पकौड़े भी इंजॉय कर लें, बहुत अच्छे पकौड़े भी मिलते हैं यहाँ पे. लेकिन गुलाब जामुन
इज समथिंग टू डाई फॉर। नेक्स्ट टाइम इन मैगलगंज इंजॉय दी गुलाब जामुन्स। तो दोस्तों अपनी अगली आउटलेट की ओर, और ये है इलाहाबाद देहाती, पंडित जवाहरलाल नेहरू का शहर, और यहाँ की खासियत समोसा और गुलाब जामुन दोनों इफराती में यहाँ मिलते हैं। इतने हैं आउटलेट्स, इतने ज्यादा आउटलेट्स हैं जो कि ये सर्व आउट करते हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतने स्टैंड अलोन आउटलेट्स जो कि समोसे और गुलाब जामुन सर्व करते हैं, ये कहीं और नहीं पॉसिबल है। स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत है और स्टूडेंट कम्युनिटी इंजॉय भी बहुत करती है, सस्ते होते हैं। तो ये जो आउटलेट है देहाती, ये है मधवापुर, और ये एक सब्जी का होलसेल का मार्केट है। उसके अंदर एक ये छोटी सी दुकान है, सिर्फ गुलाब जामुन बनाते हैं और लाजवाब गुलाब जामुन बनाते हैं। पिक्चर्स देखते हैं और कुछ इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मिट्टी का बर्तन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनकी क्लेम टू फेम, इनकी खासियत क्या है कि ये मावे को पहले थोड़ा सा भूनते हैं और उसके अंदर एक सोनापन लेके आते हैं, और उसके बाद ही गुलाब जामुन बनाते हैं। एक और खासियत आपको बता दूं इनके गुलाब जामुनों की, कि जितने भी ये गुलाब जामुन बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए इतने फ्रेश गुलाब जामुन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों में सर्व करते हैं। एक सोनापन हमेशा चलता रहता है, और आप जितनी लोगों को खड़े हुए देखेंगे, आपकी भूख उतनी ही और बढ़ जाएगी। अगर आप दो गुलाब जामुन खा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप छह खा के निकलेंगे। इलाहाबाद में देहाती गुलाब जामुन लाजवाब इंजॉय करें। तो दोस्तों अपनी अगली आउटलेट की ओर, और ये है अनुपम स्वीट्स पंचकुला। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में एक बहुत ही जबरदस्त अगर कोई स्वीट शॉप है, तो वो अनुपम है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनुपम की खासियत है। इनके गुलाब जामुन पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाजवाब होते हैं। एक अगर हम आप ब्रांडेड आउटलेट से खाना चाहते हैं, तो अनुपम पंचकुला इज वन ऑफ द प्लेसेस यू शुड बी इन। और बहुत सारी अच्छाइयां हैं चंडीगढ़ के जरा सा बाहर सेक्टर 11 के मार्केट पंचकुला में। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो छोले कुलचे है, लस्सी है, पिन्नी है, और आउटस्टैंडिंग आइटम्स हैं। क्लीनलीनेस का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। एक अच्छी आउटलेट है, पंचकुला जाए अनुपम के गुलाब जामुन जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों अपनी अगली आउटलेट की ओर, और ये है बांके बिहारी मथुरा वाले इन कमला नगर दिल्ली। और जैसे कि आप जानते ही हैं, कमला नगर तो फूडियों का गढ़ है, स्टूडेंट कम्युनिटी उमड़ उमड़ के आती है, और यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो कि इनकी खासियत है। आइए पिक्स देखते हैं और इनके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया गुलाब जामुन, और इनके पास तीन डिफरेंट कलर के गुलाब जामुन होते हैं, और तीनों का अलग अलग इन लोगों की डिस्क्रिप्शन है। मेरे हिसाब से जो काले वाले होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। आपको कौन से अच्छे लगते हैं जरूर मेंशन करें @priyasutra@gmail.com पे, और हमें जरूर बताएं कि कमला नगर आप जाए तो इसको क्यों मिस आउट करें। एक टिप आपको देना चाहूंगा कि सर्दियों के दिन जैसे कि आजकल चल ही रहे हैं, बहुत बढ़िया काढ़ा हुआ दूध ये लोग सर्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम गुलाब जामुन के साथ थोड़ा सा दूध, वाह, सोने पे सुहागा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और हम लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है बाय द नेम @priyasutra। priyasutra@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। आपके प्यार और अफेक्शन की हमें बहुत जरूरत है, तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सी यू।